क्या हुआ भाई? कल अपने की रीडिंग ने का तीसरा बच्चा भी एक्सपायर हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब भाई जन भी ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ सुभान अली और आप देख रहे हैं फ्री फ्लाई पैरी टिप्स 2। तो जो अपना ग्रीडिंग नेक का बच्चा था, जो आपको दिखाया पहले कॉकटेल के बच्चे एक्सपायर हो गए थे, फिर कल का दूसरा ग्रीडिंग नेक का बच्चा यानी कि जो अपनी ब्रीड का, वो भी एक्सपायर हो चुका है। तो वीडियो बनाने का दिल नहीं किया यार, तो ये एक्सपायर कैसे होंगे यार? इनको बीमारी थी एक रानी खेत यानी कि बीमारी से ये एक्सपायर हो चुके हैं तीनों। पहले एक कोटेल का बच्चा एक्सपायर हुआ, फिर दूसरा और फिर अपने ग्रीडिंग नेक का वो तीसरा भी एक्सपायर हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि ये तीसरा बच्चा भी कल का एक्सपायर हो चुका है। तो भाई अफसोस तो बहुत हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह की मर्ज़ी है। आपने सब देखे हैं कि बाहर से कोकटेल के बच्चे भी परचेज किए थे फ्री फ्लाई के लिए, रेडी करने के लिए, और अपनी जो इस दफ़ा ब्रीड आई थी ग्रीडिंग नेक की, उस वो भी बच्चा फ्री फ्लाई के लिए रेडी करने के लिए यानी कि उठाया था, लेकिन तीनों एक्सपायर इस दफ़ा हो चुके हैं। लेकिन इस चैनल पे अभी यार आप लोग सपोर्ट करें प्लीज़। तो जिन लोगों ने अभी चैनल ने सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो सपोर्ट की आपको इस दफ़ा ज़रूरत है, ताकि भाई और यानी कि आपको दिखाने के लिए मैं बढ़ दौर ले। तो अब क्या कर सकते हैं जी, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट करें, मेहरबानी जी। तो जिन लोगों ने भाई इन्होंने अपने पैरट फ्री फ्लाई के लिए ट्रेन करने हैं, तो आपने देखा कि मैंने किस एज के बच्चे लिए थे, आपने भी उस एज के बच्चे लेने हैं और उनको फ्री फ्लाई के लिए रेडी करना है। यानी कि एक दो वीडियो मैंने बनाई हैं, तो जिन लोगों ने अपने फ्री फ्लाई के लिए पैरट रेडी करने हैं, तो उन्होंने उस एज के बच्चे लेने हैं। और इंशाल्लाह ताला जब एक दफ़ा फीड करवाएंगे, तो आपने देखा था कि डर जल्दी ख़त्म हो जाता है इनका। तो भाई जान आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और सपोर्ट करें, आपको जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे। ओके जी, खुदा हाफिज़।